अच्छा कुछ स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जो बायोलॉजी ए का यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यूनिट 4 क्या है? सेल्स एंड टिश्यू। जो सेल होता है वो और जो सेल जो मिलकर टिश्यू बनता है, इस चीज के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपना टॉपिक क्या है? माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। कि माइक्रोस्कोप जो है वो कैसे बना, ठीक है, और क्यों बना, किसके लिए बना, और जो सेल थ्योरी जो डेवलप हुई वो कैसे हुई, ठीक है। हम जो है इस चीज के बारे में जो इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी 9th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट 4 है ये, सेल्स एंड टिश्यू। और आगे क्या है इसके ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। कितने कैसे कैसे जो किस काइंड के जो टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यू गुड फाइंड सेल जैसे इंटरेक्टली पैटर्न एंड ब्यूटीफुल फॉर्म इन एनी प्लांट यू लुक एट, फॉर्म द रोज इन योर बैक यार्ड टू द ग्रास ग्रोविंग अप थ्रू द साइड वॉक टू द कैरोट यू एट फॉर अ स्नैक। लेट्स नॉट लिमिट इट टू प्लांट्स एज दिस लेयर ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड इन योर स्किन इन एन इंसेक्ट्स विंग एंड इन जस्ट अबाउट एनी अदर लिविंग टिश्यू यू चूज अ लुक एट वी एंड द वर्ल्ड अराउंड अस वी आर मेड ऑफ सेल वी जस्ट नीड सम माइक्रोस्कोप टू अप्रिशिएट इट। अब ये क्या कह रहा है कि सेल जो होता है ना एक पेचीदा सा जो एक पैटर्न में जो है वो होता है, ठीक है। लेकिन फिर जो वो टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू मिलके फिर वो एक प्लांट बनता है या एक जो है वो खूबसूरत जो है रोज बनाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सिर्फ प्लांट ही नहीं, हमारी जो स्किन की लेयर होती है, ठीक है, वो चीज इंसेक्ट जो उसके पर होते हैं विंग होते हैं, ठीक है, वो चीज भी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है, टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर हम टिश्यू को देखें ना तो वर्ल्ड में जो भी हमारे अराउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो सारी चीजें किससे बनी है? सेल से बनी है। क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत है? माइक्रोस्कोप की, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बिना जो है हम सेल को देख नहीं सकते। अब हमारा टॉपिक क्या था ना, माइक्रोस्कोप एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, के माइक्रोस्कोप कैसे बना और सेल थ्योरी जो है वो कैसे डेवलप हुई। लेशारियस जॉनसन जनरली बिलीव टू द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू मेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द 1590। इट वाज सिंपली अ ट्यूब विथ लेंसेज एट ईच एंड इट्स मैग्नीफिकेशन रेंज फ्रॉम 3 मल्टीप्लाई टू 9 मल्टीप्लाई। अब क्या कह रहा है कि लेशारियस जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, अब कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप जो है वो किसने इन्वेंट किया? लेशारियस ने किया, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसने 1590 में जो इन्वेंट किया। अब क्या कह रहा है कि ये माइक्रोस्कोप जो था वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा था, किस चीज से मिलकर बना था? टू उसकी सिंपल लेंसेस थी, ठीक है, और उसकी मैग्निफिकेशन रेंज बता रहा है कि मैग्निफिकेशन रेंज कितनी थी? 3 मल्टीप्लाई टू 9 मल्टीप्लाई। मैग्निफिकेशन होती क्या है आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैग्निफिकेशन जो है एक चीज को जो है वो हम बड़ा करके देखेंगे, ठीक है, मैग्निफाई करके देखेंगे, उसके लिए जो हम यूज करते हैं ये मैग्निफिकेशन वर्ड। ये जो है वो साइंटिस्ट था जिन्होंने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप आर इंस्ट्रूमेंट डेजिग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक आई। क्या कह रहे हैं कि रॉबर्ट हुक जो था उसने जो है इम्प्रूव किया किसको? जो जेशारीस था उसके ही जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, ठीक है, ताकि हम जो है ऑर्गेनिज्म को देख सकें। अब क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है? वो जो है वो मैग्नीफाइड करता है, जो चीज छोटी सी है, ठीक है, उसको मैग्नीफाइड करके उसकी जो है वो इमेज ले सकता है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की, चाहे वो कितना ही छोटा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, जिसको हम जो है वो नेक आई से या हमारी जो सिंपल आई से जो है वो देखने के काबिल ना हो ऐसी चीजों को।
There are two parameters specially important in microscope, magnification and resolution. अब क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें दो पैरामीटर इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, वो कौन से? एक मैग्निफिकेशन, दूसरा रिजोल्यूशन. अभी क्या होता है मैग्निफिकेशन? क्या है? द इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. अब क्या कह रहा है कि जो हम इमेज जो है किसी चीज की भी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, उस इमेज को जो हम अगर बड़ा करेंगे, ठीक है, उस चीज को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं. अब कैसे बड़ा करेंगे उसे? बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर अ माइक्रोस्कोप कैन बी प्रोड्यूस दैट विल यील्ड वेरी हाई मैग्निफिकेशन वैल्यू. अब क्या कह रहा है कि मैग्निफिकेशन हम क्या कैसे करते हैं? जो लेंसेज होती हैं, ठीक है, उस चीज को जो है उसको करेक्ट मैनर में जो उसको जोड़ के, ठीक है, और जो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है उसको मैग्निफाई करके, उसको इनलार्ज करके देख सकते हैं, ठीक है. अब थर्ड वन क्या कह रहा है? ये रिजोल्यूशन. द रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन अ स्पेसमैन दैट कैन स्टिल बी डिजिग्नेशियस Distinguish as two separate object, it help to measure clarity of object. अब कोई भी चीज है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जो है वो यहाँ पे जो है वो ये बना रहे हैं, ठीक है, बजाहिर तो हमें ये देखो कितने बड़े बड़े इसके बीच में जो फासला है वो भी जो है हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल छोटा सा करते हैं तो ये जो इसके बीच में डिस्टेंस सारा, क्या ये दिखाई देगा? नहीं देगा ना. तो ये चीज जो हम जो है वो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप में, तो ये जो डिस्टेंस हमें नजर नहीं आ रहा ना वो हमें किस वजह से नजर आएगा माइक्रोस्कोप में? रिजोल्यूशन की वजह से, ठीक है. तो रिजोल्यूशन क्या करता है? कोई भी इमेज है किसी भी चीज को, ठीक है, वो ब्लरी जो है वो दिखाई दे रही है धुंधली सी, ठीक है, तो उस चीज को क्लियर करता है, ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है, समझे? बाकी क्या कह रहा है? बोथ मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट अ क्लियर पिक्चर ऑफ समथिंग लेस देन 0.1. अब क्या कह रहा है? कोई ऐसी चीज, ठीक है, जो 0.1 से भी कम में, अब उस चीज को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन भी चाहिए, रिजोल्यूशन भी चाहिए. कैसे? मैग्निफिकेशन जो है उस चीज को बड़ा करेगी और रिजोल्यूशन क्या करेगी? वो जो चीज बड़ी हुई है, ठीक है, तो धुंधली हो जाएगी ना, लेकिन उससे जो है वो क्लियर इमेज में कन्वर्ट करके जो है हमें दिखाएगी. इफ अ माइक्रोस्कोप हैज हाई मैग्निफिकेशन बट लो रिजोल्यूशन, ऑल यू विल गेट इज अ बिगर वर्जन ऑफ अ ब्लरी इमेज. अब क्या कह रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन तो ठीक है लेकिन रिजोल्यूशन गलत है तो क्या होगा? रिजोल्यूशन जो है वो सही नहीं है, सॉरी, तो क्या होगा? इमेज जो है हमारी वो बड़ी तो हो जाएगी लेकिन ब्लर होगी, क्या होगी? धुंधली होगी. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दो जो है माइक्रोस्कोप जो है वो किसमें बताई गई है, ठीक है. देर आर टू माइक्रोस्कोप आर यूज इन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो दो माइक्रोस्कोप है जो माइक्रोस्कोपी के लिए जो यूज किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को देखने के लिए. फर्स्ट वन जो इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, और सेकंड जो है वो एक लाइट माइक्रोस्कोप, दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है. इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट पासेस थ्रू द स्पेसमैन द बायोलॉजिकल सैंपल यू आर लुकिंग एट. अ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ. अब क्या कह रहा है? एक जो स्पेस मैन है, ठीक है, जो चीज हम जो है वो एज अ सैंपल जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, ठीक है, उस चीज को स्पेस मैन कहते हैं. अब उसके जो है वो थ्रू जो है वो लाइट गुजारी जाएगी, ठीक है. अब जैसे वो लाइट जो है वो गुजरेगी तो उस चीज की जो है इमेज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. अब वो इमेज जो है उसे जो है माइक्रोग्राफ कहते हैं. अब लाइट माइक्रोस्कोप में होता क्या है? हम जो है वो किसी भी इमेज को जो है वो इमेज की माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं. उसके जो है वो लाइट जो है वो उसके आर पार जो है वो गुजारते हैं. अब सेकंड जो है वो क्या है?
The magnification of a light microscope is performed by using a mixture of the power of the eyepiece and the objective lens. अब क्या कह रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ना, ठीक है, उसमें एक तो उसकी जो लेंसेज जो होते हैं माइक्रोस्कोप के, एक तो वो और दूसरा जो है वो आइस जो है, वो जो आंखें जो मतलब माइक्रोस्कोप जो है वो देख रही है, ठीक है, उस दोनों चीजों को जो है मिला के उसका मिक्सर बना के और फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है लेंस बनती है और उस चीज को देखा जाता है। इन ऑर्डर टू असरटेन द टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन व्यूइंग इमेज विथ अ कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप टेक द पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज विच इज 4 × 10 × 40। अब 4 × 10 करेंगे तो कितना होगा, 40 आ जाएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ द आई पीस विच इज टिपिकली 10 × 40। 40 × को जो हम क्या कह रहे हैं, आइस जो है उसकी जो है वो लेंस के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे, अब आइस की जो है वो क्या होती है, 10 × जो उसकी पावर होती है, ठीक है, देयर फॉर आर 10 × आई पीस यूज विथ 10 × ऑब्जेक्टिव लेंस विल प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 100 × अब यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि एक भी कोई भी चीज होती है, ठीक है, इमेज माइक्रोस्कोप में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, उस चीज को ज्यादा जो है वो क्लियर करने के लिए, अब लाइट जो माइक्रोस्कोप है ना उसमें तो एक उसकी अपनी जो लेंस पावर होती है, ठीक है, वो होती है, दूसरा जो आइस की जो लेंस पावर होती है, दोनों चीजों को जो है मिला के फिर जो है उस जो है वो इमेज को जो है मैग्नीफाई किया जाता है, ठीक है, दिस मीन दैट द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट कैन बी मैग्निफाइड 40 × 100। अब जो 40 क्या था, वो जो ऑब्जेक्ट उसकी माइक्रोस्कोप की जो पावर थी वो थी, ठीक है, अब उस 40 को जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 पावर किसकी थी, हमारे आई पीस की पावर थी, तो अब ये जो वो 400 हो गई और इस जो पावर यूज की जाएगी लाइट माइक्रोस्कोप में, वो उसकी मैग्निफिकेशन रेंज कितनी होगी, 400 × होगी, ठीक है, तो हमें जो इमेज और ज्यादा क्लियरली नजर आएगी। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है ना, उसकी जो इमेज दिखाई गई है, ऑनियन सेल दिखाया गया है हमें यहाँ पे, ठीक है, अब दूसरा कौन था, कौन सा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था दूसरा, ठीक है, एक लाइट माइक्रोस्कोप पड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप दैट दे प्रोड्यूस इन इमेज ऑफ अ स्पेसमैन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेदर देन अ बीम ऑफ लाइट। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मुख्तलिफ है किससे, लाइट माइक्रोस्कोप से, जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो हम लाइट के थ्रू जो है वो इमेज देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सॉरी जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसकी वेवलेंथ जो होती है ना वो क्या है, लाइट जो है उसी जो है वो ज्यादा जो है वो विजिबल है। अब कैसे, देन दिस अलो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हायर रिजोल्यूशन इमेज। अब क्या कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है वो क्या अलो करती है कि वो जो है वो हायर रिजोल्यूशन इमेज जो है हमें प्रोवाइड करे। अब रिजोल्यूशन क्या थी कि कोई चीज जो है वो बड़ी हो रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है धुंधली हो जाए, धुंधली जो है वो हो जाएगी, ठीक है, रिजोल्यूशन अब उस चीज को क्या करेगा, हमें क्लियर करके दिखाएगा। अब दो चीजें हैं, ठीक है, उसके बीच में एक स्पेस आ रहा है ना, वो भी चीज जो है हमें क्लियर करके दिखाएगा, किसके जरिए आएगी, वो रिजोल्यूशन के जरिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज टू एग्जामाइन नॉट जस्ट होल सेल बट आल्सो बी सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कंपार्टमेंट विद देम। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना सिर्फ वो हमें सेल नहीं दिखाएगा लेकिन सेल के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो चीज भी जो है हमें जो है वो क्लियर करके दिखाएगा, उसके कंपार्टमेंट भी क्लियर करके दिखाएगा, ठीक है, तो रिजोल्यूशन का था यही कि वो जो है हमें जो है वो दो चीजें ऑब्जेक्ट के बीच में जो फासला है जो स्पेस है वो चीज भी जो है हमें क्लियर करके दिखाएगा, कौन दिखाएगा, रिसोल्यूशन दिखाएगा, ठीक है, अ लाइट लाइट सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम क्या कह रहा है कि एक जो जिंदा जो है वो सेल है, ठीक है, उस चीज को हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में।
अब जो है वो उसकी एग्जाम्पल दिखाई गई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब ये नॉर्मल जो है एक सेल दिखाया गया है, बैक्टीरिया का सेल दिखाया गया है, ठीक है। और राइट जो इस साइड क्या दिखाई गई है, उस चीज को जो है इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें दिखाया गया है, ये सिंपल है। फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन्होंने इस चीज को जो है वो बहुत जो है रिसोल्यूट करके हमें दिखाया है, जैसे कि हम यहाँ पे जो है क्लियर चीजें नहीं देख पा रहे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें, इसके बीच में स्पेस क्या है, इसके चीज अंदर क्या है, ये चीज हम जो है देखने काबिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इसने हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर एक इमेज दे रखी है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस है किसके बीच लाइट माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज अ रिजॉल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या कर सकता है रिजोल्यूट, अब 0.2 नैनोमीटर कोई चीज है ना, उसको जो है वो जो है वो मैग्निफाई करके, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन अप टू 250 मीन जो है वो 2,50,000 टाइम्स ज्यादा मैग्निफाई उस चीज को करके हमें जो है दिखाएगा। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो उसके भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी जो है इन्होंने टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो जो फर्दर जो है डिवाइड कर दिया है, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और फर्स्ट में क्या कह रहा है, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ सेल और टिश्यू, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड इमेज ऑफ द 3D सरफेस। अब क्या कह रहा है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उस ऑब्जेक्ट सेल के जो है वो बेस तक जाते हैं, ठीक है। फिर हमें जो है 3D जो है वो इमेज देते हैं, ठीक है। इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन कंट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइस बिफोर इमेजिंग एंड द इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द स्लाइस रेदर देन स्कीमिंग ओवर सरफेस। बीम इज ऑफ्टन यूज्ड टू ऑब्टेन डिटेल्ड इमेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में पहले जो हम स्पेस में नए जो ऑब्जेक्ट है, जो सेल है हमारा, जिसको हम जो है वो ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को पहले हम जो है स्लाइस में जो है वो उसको कट डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है उसको जो है हम ऑब्जर्व करेंगे अंडर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। अब फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें क्या करेगा, उसकी डिटेल इमेज इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी डिटेल इमेज जो है वो हमें जो है प्रोवाइड करेगा, समझे। आगे जो है हमारी हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे, एक 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 टॉपिक लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमें समझने में भी आसानी हो और जो है वो वीडियो ढूंढने में भी जो है हमें जो मुश्किल ना हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।